नमस्कार, स्वागत है आपका प्रादेशिक अंक में। मैं हूं अरविंदर सिंह। रुक करते हैं प्रमुख गतिविधियों की ओर। मुख्यमंत्री का प्रदेश व देश की राजनीति में लंबा अनुभव, वे पॉलिटिकल पर्सनैलिटी हैं, कहा विधायक अजय महाजन ने। बैजनाथ में जनहित की समस्याओं के समाधान हेतु मेला ग्राउंड बैजनाथ में जनहित की आवाज संस्था ने किया धरना प्रदर्शन। गुरुग्राम के स्कूल में दिल दहला देने वाले हादसे के बाद भी हिमाचल में विद्यार्थियों की सुरक्षा राम भरोसे। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और परिवहन मंत्री जीएस बाली के बीच चल रहे वाकयुद्ध में बाली ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर कसा तंज। रुक करते हैं विस्तार से गतिविधियों की ओर। इस वर्ष कांग्रेस विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में लड़ेगी, इसके लिए कांग्रेस हाईकमान पहले ही कह चुकी है। मुख्यमंत्री का प्रदेश व देश की राजनीति में लंबा अनुभव है, वे एक पॉलिटिकल पर्सनैलिटी हैं और आने वाले चुनावों में कांग्रेस पार्टी उनके अनुभव का लाभ उठाएगी और पार्टी जीतकर फिर से सत्ता में आएगी। ये बात नूरपुर के विधायक अजय महाजन ने मीडिया के साथ बातचीत के दौरान कही। इस वर्ष कांग्रेस विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में लड़ेगी, इसके लिए कांग्रेस हाईकमान पहले ही कह चुका है। मुख्यमंत्री का प्रदेश व देश की राजनीति में लंबा अनुभव है, वो एक पॉलिटिकल पर्सनैलिटी हैं। आने वाले चुनावों में कांग्रेस पार्टी को उनके अनुभव का लाभ मिलेगा और पार्टी जीत कर फिर से सरकार बनाएगी। ये बात नूरपुर के विधायक अजय महाजन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मोदी लहर समाप्त हो चुकी है और लोकसभा के चुनावों जैसी लहर नहीं है। उन्होंने कहा कि विधानसभा के चुनावों को लेकर बीजेपी के लोग अधिक कॉन्फिडेंट हैं और जिस कारण वह जीत का दावा कर रहे हैं। बीजेपी के लोग हर दिन मुख्यमंत्री पर आरोप लगाते रहते हैं, जिससे मुख्यमंत्री को हानि नहीं हो रही है बल्कि लाभ मिल रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री का प्रदेश व देश की राजनीति में लंबा अनुभव है और बीजेपी के आरोपों के कारण उन्हें प्रदेश के लोगों से सहानुभूति मिल रही है, जिसका लाभ मुख्यमंत्री को जरूर चुनावों में मिलेगा। जो हाईकमांड ने भी कहा है कि तो माननीय मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी का ही उन्होंने बोला, बाकी तो ये जो चीजें हैं ये बड़ी अपर लेवल की हैं। हम तो कार्यकर्ता हैं, छोटे से सिपाही हैं पार्टी के, जहां हमें हुक्म होगा खड़े होने का हम वहां खड़े रहेंगे। और जो मेहनत सब कर रहे हैं, रल मिल के मेहनत करके कांग्रेस की सरकार पुनः बनेगी, ये क्योंकि अल्टीमेटली ये जो दूसरी तरफ जो बीजेपी की के हमारे साथी हैं, इनको बहुत ओवर कॉन्फिडेंस हो गया हुआ है कि हमारी सरकार बनी गई है। अल्टीमेटली ये लोगों के ऊपर तय होता है, तो जब तक आप काउंटिंग हॉल से बाहर नहीं निकलते, आजकल कहना बड़ा मुश्किल है। ये जो लहर थी पहले एमपी के टाइम की, जब माननीय मुख्यमंत्री माननीय मोदी जी बने थे प्राइम मिनिस्टर, तब एक जुनून सा था बीजेपी के लिए। पर अब क्योंकि उन्होंने कोई भी वायदा पूरा नहीं किया, किसी भी ढंग का वायदा पूरा नहीं किया, और उनकी कथनी और करनी सामने आ गई है, और लोग बहुत डिसिल्यूजन्ड हैं, और इस इलेक्शन में वो बात पुराना जादू नहीं चलने वाला उनका। सीएम साहब के कोई ऐसा बयान दे देते हैं सुखोई जी के खिलाफ, फिर से चीजें तितर बितर हो जाती है, तो ऐसे में पार्टी किस तरह से चुनावों में पार पर? ऐसे है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, ये भी बहुत सीजन्ड मतलब पोलिटिकल पर्सनैलिटी है। 25 साल की उम्र में उन्होंने अपना राजनीतिक करियर शुरू किया था, छठी बार यहाँ मुख्यमंत्री बने हैं और सेंट्रल में वजीर रहे हैं, और तकरीबन 4 बार स्टेट के प्रेसिडेंट रहे हैं। बहुत अनुभवी हैं और उनका अनुभव का पार्टी को बहुत लाभ मिलेगा। और दूसरी तरफ जो सुखू जी हैं, वो भी अपना उन्होंने जो शुरुआत की, एनएसयूआई के प्रेसिडेंट मिनिस्टर रहे, एनएसयूआई के प्रेसिडेंट रहे, यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे, और स्टेट के प्रेसिडेंट है, उनका भी अनुभव है। और ये जो पार्टी का एंड में जो भी हाईकमांड का दिशा निर्देश होगा, सब चलेंगे साथ में। पर माननीय मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी का एक विशेष स्थान है हिमाचल की राजनीति में, और डेफिनेटली उसका लाभ पार्टी को मिलेगा। एक सवाल के जवाब में अजय महाजन ने कहा कि परिवहन मंत्री जीएस वाली ने नूरपुर में जो
खरगोश का उदाहरण दिया था वो मेरे लिए नहीं था बल्कि नूरपुर के लोगों, वोटरों व कार्यकर्ताओं को लेकर दिया था। उन्होंने कहा था कि कार्यकर्ता और वोटर एक निर्णय ले लें कि किसको जाना है, एक स्वस्थ छवि वाले पार्टी की तरफ जाना है या फरेब धोखेबाज और ढोंगी पार्टी की तरफ जाना है। उनका ये बयान इस संदर्भ में था। मैं एक बात बस कहना चाहता हूँ, तो महाजन साहब कई बार मुझे सुनाते थे कि चारों साल जा रहे थे, एक बार वो जरूर सुनाते थे कि चारों साल जा रहे थे गाड़ी में और पीछे उनके साथ उनके साथी रहते थे, तो खरगोश मर गया बीच में। तो उन्होंने पूछा खरगोश क्यों मर गया, तो किसी ने कहा जी लाइट पड़ गए, किसी ने कहा जी उसकी मौत आई थी। चारों साल ने कहा नहीं, ये फैसला नहीं कर सका कि मैं सड़क के इधर जाऊँ या इधर जाऊँ, तो करके अपना फैसला करके कर ले। अजय को भी कह रहा हूँ कि अपना फैसला करके चलो। मैं सबको सलाह देता हूँ कि अपना फैसला ठीक ढंग से किया हो, हमारी दिशा और दशा एक होना चाहिए। मुझे नहीं पता उन्होंने किस संदर्भ में कहा, पर वो वहाँ के नूरपुर के कार्य जो वोटर्स को कह रहे थे कि आप अपना माइंड क्लियर कर लो कि कांग्रेस की तरफ चलो, कि वो उनको उनकी तरफ था, वो डायरेक्शन मेरी तरफ नहीं था। और मतलब वो घुमा फिरा के मतलब कोई मेरी तरफ ले, उनको उन्होंने बिल्कुल बाकी जो नूरपुर के जो वोटर्स की तरफ कहा था कि आप अपना माइंड क्लियर कर लो कि एक स्वच्छ साफ सुथरी राजनीति के साथ चलना है या एक फरेब और ढोंगी और झूठे वादों की राजनीति के साथ चलना है, तो इस संदर्भ में उन्होंने कहा था। गौरतलब है कि परिवहन मंत्री जीएस वाली ने नूरपुर में बस अड्डे के उद्घाटन के दौरान विधायक अजय महाजन को नसीहत देते हुए कहा था कि विधायक तय कर लें कि किस ओर जाना है। उन्होंने कहा कि अगर विधायक ऐसा नहीं कर पाए तो उनकी हालत उस खरगोश जैसी होगी जो ये तय नहीं कर पाया कि सड़क के इस पार जाऊं या उस पार, और बीच में मारा गया। बैजनाथ में जनहित की समस्याओं के समाधान हेतु मेला ग्राउंड बैजनाथ में जनहित की आवाज संस्था ने धरना प्रदर्शन किया, जिसमें हजारों लोगों ने भाग लिया। इस प्रदर्शन में जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर जनहित की आवाज संस्था के संयोजक व पूर्व विधायक दुलोराम की अगुवाई में लोगों ने बैजनाथ के पेट्रोल पंप से लेकर मेला ग्राउंड तक रैली निकाली। बैजनाथ में जनहित की समस्याओं के समाधान हेतु मेला ग्राउंड बैजनाथ में जनहित की आवाज संस्था ने धरना प्रदर्शन किया, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। इस प्रदर्शन में जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर जनहित की आवाज संस्था संयोजक व पूर्व विधायक दुलेराम की अगुवाई में हजारों लोगों ने बैजनाथ के पेट्रोल पंप से लेकर मेला ग्राउंड तक एक रैली का आयोजन किया, जिसमें होली उतराला बैजनाथ सड़क को लेकर तथा बैजनाथ की समस्याओं को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। अपने संबोधन के दौरान पूर्व विधायक ने जनता से आह्वान किया कि कुछ समय के बाद राजनीतिक पार्टियों के लोग वोट मांगने आएंगे, तो उस समय उनसे पूछना कि क्या उन्होंने जनहित के लिए कार्य किए हैं और अपने मत का प्रयोग समझदारी से करें। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में पानी की समस्या तथा सड़क की बदहाली को लेकर विभाग सप्ताह तक ठीक नहीं करता है तो लोग बड़ा आंदोलन करेंगे तथा अधिकारियों का घेराव कर उन्हें कार्यालय में बंद किया जाएगा। बैजनाथ उतराला होली भरमौर बड़ा भंगाल सड़क बैजनाथ पालमपुर पंचरुखी नगरोटा तथा होली तथा भरमौर बड़ा भांगला के निवासियों के लिए जीवन रेखा से कम नहीं है। सदियों से ये मार्ग यहाँ के निवासियों के लिए पैदल आने जाने का एक मार्ग है। आज भी असंख्य लोग तथा देशी विदेशी पर्यटक होली भरमौर बड़ा भांगला को इसी रास्ते से आते जाते हैं। वर्ष 2000 में इस सड़क का निर्माण कार्य भाजपा द्वारा प्रारंभ किया गया था। वर्ष 2003 में प्रदेश सरकार बदल गई और इसके बाद आज दिन तक इस सड़क का निर्माण कार्य पर एक भी पैसा खर्च नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि यदि इस सड़क का निर्माण कार्य पूरा कर दिया जाता तो न सिर्फ बैजनाथ पालमपुर धर्मशाला उपमंडल अपितु जिला कांगड़ा तथा जिला चंबा के हजारों बेरोजगार नौजवानों को रोजगार के अवसर प्राप्त होते। आप लोगों की जो समस्या है कई बार वो मुद्दे राजनीति में गौण हो जाते हैं, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां कई बार ऐसे मुद्दे उठाती हैं जिसका बहुत ज्यादा जनता से लेना देना नहीं होता। तत्कालीन मुद्दों को उठाते हैं और उसके बाद 15 दिन बाद वो सारे मुद्दे भूल जाते हैं। ये गांव के छोटे छोटे मुद्दे, जैसे अभी कुछ क्षेत्रों में पीने का पानी नहीं आ रहा है,
सड़क से नीचे की समस्या है कि वहां लोग खेती बाड़ी करते हैं, चाहे सड़क से ऊपर का इलाका है, खेतों के लिए सिंचाई की सुविधा नहीं है, करोड़ों रुपया सरकार ने खर्च कर दिया, लेकिन जब जरूरत पड़ती है गर्मी में तो उसके उस खेत के लिए सिंचाई की सुविधा नहीं है। तत्कालीन जो हमारी सरकार थी, भाजपा की सरकार, उसने इस प्रोजेक्ट को थोड़ा सा ध्यान में लिया और उस सड़क के निर्माण का काम प्रारंभ किया। 2003 में उस सड़क का काम बड़ी तेजी से चला और 3 के बाद ऐसी सरकार प्रदेश में बदली, वो सड़क जो सरकार प्रदेश में बदली वो सड़क जो वो बंद हो गई। पिछली गर्मियां जब थी तब निचले निचले क्षेत्र में जिस बरसात से पहले पानी की बहुत बड़ी समस्या थी, हमारे कुछ लोगों ने एसडीएम को मेमोरेंडम दिया, नहीं करता, उनको लगता है कि लोग इस बात के हाथी हो गए हैं, लोगों ने खेती बाड़ी करना छोड़ दिया है और जो करते हैं थोड़ा बहुत वो आगे छोड़ देंगे, और जानवरों के कारण बहुत से लोग बेरोजगार भी हो रहे हैं, गांव में खेती बर्बाद भी हो रही है। इन समस्याओं की तरफ आपने पिछले कम से कम मैं 2 साल का जिक्र करता हूं, कोई राजनीतिक व्यक्ति जिसने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो, नसबंदी पर खर्च कर दिया और बंदर तो उसी तैनात में बने हैं। वहीं उन्होंने कहा कि बैजनाथ क्षेत्र में सिंचाई के लिए सदियों से लोहर बैजनाथ नहर सूखी पड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि इस नहर पर विभाग ने लगभग 12 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, लेकिन पिछले 15 वर्षों से सिंचाई के लिए पानी खेतों तक नहीं पहुंच पाया है। उन्होंने कहा कि लावारिश पशु, बंदर और जंगली जानवरों से बैजनाथ में विकट समस्या बनी हुई है। उन्होंने कहा कि बैजनाथ बस अड्डे में हजारों लोग रोजाना आते हैं, जो शौचालय बस अड्डे में बने हैं वे बेकार पड़े हैं। उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत बनने वाले स्मार्ट कार्ड बनाने में भी सरकार और प्रशासन नाकाम रहा है, बैजनाथ के लोग पिछले 15 वर्षों से गुमराह हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र का दुर्भाग्य है कि छोटे छोटे मुद्दों के अलावा बाकी कोई काम इस विधानसभा क्षेत्र में नहीं हुआ है। इस मौके पर क्षेत्र की समस्याओं को लेकर जनहित के अध्यक्ष तिलक डोगरा के नेतृत्व में एसडीएम डॉक्टर मुरारीलाल के माध्यम से एक ज्ञापन राज्यपाल को भी भेजा गया। कार्यक्रम में वक्त हो चला है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अपने घर और ऑफिस को सुंदर बनाने के लिए आए सदाशिव फर्नीचर हाउस कांगू और ले जाएं बेहतर क्वालिटी का फर्नीचर जो आपके घर की सुंदरता में लगा दे चार चांद। हमारे यहाँ दरवाजे, खिड़कियाँ, तुन्नी, सागवान, जामुन आदि लकड़ियों से किए जाते हैं तैयार। आपकी सुविधा के लिए हम तैयार करते हैं जाली बेड, गमला बेड, मकड़ी बेड, डिब्बा बेड, चांद बेड, फुल बेड। आपके डाइनिंग रूम की शोभा बढ़ाने के लिए सागवान लकड़ी से तैयार किए जाते हैं कैप्सूल, सिप, WC टाइप के डाइनिंग सेट। ऑफिस रिवॉल्विंग चेयर, स्टूल के साथ साथ पिलो, अलमीरा, गद्दे भी है हर रेंज में उपलब्ध। हमारे यहाँ सोफा एंड बेड, सेटी सोफा, 5-सीटर, 7-सीटर, मॉडल सोफा, कैप्सूल सोफा, स्टार सोफा इत्यादि अनुभवी कारीगरों द्वारा किए जाते हैं तैयार। अपने घर व ऑफिस की सुंदरता को बढ़ाने के लिए उपलब्ध है बेस्ट डिजाइन एंड क्वालिटी फर्नीचर, तो आए और ले जाएं बेहतर क्वालिटी का फर्नीचर। सदाशिव फर्नीचर हाउस नियर हॉस्पिटल कांगू, तहसील नदौन, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर। विमांशु एलिवेटर एंड एस्केलेटर फर्स्ट लिफ्ट शोरूम ऑफ नॉर्थ इंडिया इन हमीरपुर। आपके घर, ऑफिस, शोरूम या मॉल की जरूरत के अनुसार हम उपलब्ध करवाते हैं 15 विभिन्न मॉडलों की लिफ्टें। हमारे शोरूम में गूगल सर्च डिजाइन और कस्टमर की सुविधा अनुसार डिजाइनर लिफ्ट भी करवाई जाती है तैयार। अपनी लिफ्टों में हम दे रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मानकों से मान्यता प्राप्त इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट फुली टच सिस्टम के साथ हर आधुनिक सुविधा घर द्वार पर। विमांशु के 18 इंजीनियर आपको देते हैं AMC के माध्यम से हर साल में 12 सर्विसेज। कंपनी के 24 आवर्स कॉल बैक सर्विस से लिफ्ट ब्रेक डाउन के 2 घंटे के अंदर दी जाती है सर्विस।
हमारी टेक्निकल इंजीनियर सेवा के लिए मोबाइल पर है एक्टिव। अदर फीचर्स लाइक डायरेक्ट लैंडिंग जनरेटेड मोटर, ह्यूमन बॉडी सेंसर, ऑटो अटेंडेंट, कार लॉकिंग सिस्टम, ऑटोमेटिक रेस्क्यू डिवाइस, मोबाइल ऑपरेटर सिस्टम, टचलेस सीओपी एंड एलओपी आल्सो अवेलेबल। तो आए विमानशु एलिवेटर एंड एस्केलेटर और बनवाएं लिफ्ट, वो भी अपनी सुविधा अनुसार। विमानशु एलिवेटर एंड एस्केलेटर नियर डिग्री कॉलेज अनु हमीरपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गुरुग्राम के स्कूल में दिल दहला देने वाले हादसे के बाद भी हिमाचल के विद्यार्थियों की सुरक्षा राम भरोसे चल रही है। इसमें एक ओर जहां प्रशासन, स्कूल प्रबंधन और परिजन सभी दोषी नजर आ रहे हैं, तो जिला प्रशासन स्कूलों को एहतियात बरतने के निर्देश देकर अपना पल्ला झाड़ चुका है। वहीं स्कूल प्रशासन ने उन विद्यार्थियों की जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया है जो निजी वाहन में उनके स्कूल आ रहे हैं। वहीं अभिभावक ऐसे चालकों के साथ बच्चों को भेज रहे हैं जिनके बारे में उनको पुख्ता जानकारी तक नहीं है। ऐसे में जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो सिस्टम को कोसने के सिवाय और कोई चारा नहीं रहता है। गुरुग्राम के स्कूल में दिल दहला देने वाले हादसे के बाद भी हिमाचल में विद्यार्थियों की सुरक्षा राम भरोसे ही चल रही है। इसमें एक और जहां प्रशासन, स्कूल प्रबंधन और परिजन सभी दोषी नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिला प्रशासन स्कूलों को एहतियात बरतने के निर्देश देकर पल्ला झाड़ चुका है। वहीं स्कूल प्रशासन ने उन विद्यार्थियों की जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया है जो निजी वाहनों में उनके स्कूल आ रहे हैं। वहीं अभिभावक ऐसे चालकों के साथ बच्चों को भेज रहे हैं जिनके बारे में उन्हें पुख्ता जानकारी नहीं है। ऐसे में जब कोई बड़ा हादसा होता है तो सिस्टम को कोसने के सिवाय कोई चारा नहीं होता। आपको बता दें कि जब हमारी टीम ने स्कूल वैनों की सुरक्षा का जायजा लिया तो पता चला कि बाहरी राज्यों की गाड़ियां भी बच्चों को स्कूल से लाने ले जाने का कार्य कर रही हैं। यही नहीं, इनमें से कईयों के पास तो वाहन चलाने की लाइसेंस तक नहीं है। ऐसे में अगर कोई हादसा होता है या कोई चालक वारदात को अंजाम देकर भाग जाता है तो चालक की रिकॉर्ड न स्कूल प्रबंधन के पास होगा ना ही अभिभावकों के पास। ऐसे में विद्यार्थी कितने सुरक्षित हैं इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। जब इस बारे में निजी और सरकारी स्कूलों के प्रभारियों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वह उन वाहन चालकों की जिम्मेवारी ले सकते हैं जो वाहन उनके द्वारा चलाए जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने उन वाहन चालकों की जिम्मेवारी लेने से मना कर दिया जो निजी तौर पर अभिभावकों के कहने पर बच्चों को स्कूल छोड़ने आते हैं। वहीं सरकारी स्कूल में तो इससे भी ज्यादा हालत खराब नजर आ रही है, क्योंकि अभी तक स्कूल में सीसीटीवी फुटेज तक नहीं लगाए गए हैं और ना ही कोई अभी तक सुरक्षा कर्मी नियुक्त किया गया है। यही नहीं, स्कूल में मूलभूत सुरक्षा के इंतजाम भी नहीं दिख रहे हैं। कोई भी व्यक्ति बिना किसी रोक टोक के स्कूल में आकर वारदात को अंजाम दे सकता है। जिला पुलिस अधीक्षक मोहित चावला ने कहा कि पुलिस प्रशासन विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर बेहद संवेदनशील है और स्कूलों को भी सख्त हिदायतें दी जा चुकी हैं। अगर कोई भी कोताही स्कूल द्वारा सुरक्षा को लेकर की जाती है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा।
कुटलर भाजपा द्वारा गांव समूर कला में महिला मोर्चा सम्मेलन का आयोजन किया गया। महिला मोर्चा सम्मेलन में सांसद अनुराग ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं स्थानीय विधायक वीरेंद्र कंवर व महिला मोर्चा की राज्य उपाध्यक्ष डीजी ठाकुर विशेष रूप से उपस्थित रही। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह द्वारा रिटायर होने के बयान पर सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस को ऐसी क्या मजबूरी आ गई है कि भ्रष्ट नेता को लगातार ढो रही है। कुटलहर भाजपा द्वारा गांव समरू कला में महिला मोर्चा सम्मेलन का आयोजन किया गया। महिला सम्मेलन में सांसद अनुराग ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं स्थानीय विधायक वीरेंद्र कंवर और महिला मोर्चा की राज्य उपाध्यक्ष डीजी ठाकुर विशेष रूप से उपस्थित रहे। सीएम वीरभद्र सिंह द्वारा रिटायर होने के बयान पर सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस की ऐसी क्या मजबूरी है कि भ्रष्ट नेतृत्व को लगातार ढो रही है। प्रदेश में विधानसभा चुनावों की आहट के साथ ही भाजपा ने सभी वर्गों को रिझाने के लिए अभियान छेड़ रखे हैं। युवा सम्मेलन और दलित स्वाभिमान सम्मेलन के बाद अब भाजपा ने महिला वोटरों तक पार्टी की नीतियां पहुंचाने का क्रम शुरू कर दिया है। इसी कड़ी के तहत कुटलहर भाजपा द्वारा गांव समूर कला में महिला मोर्चा सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में सांसद अनुराग ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। महिला मोर्चा के जरिए महिलाओं की भीड़ जुटाकर कुटलहर के विधायक वीरेंद्र कंवर ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। महिला सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस और सीएम वीरभद्र सिंह पर जमकर निशाने साधे। अनुराग ने सीएम वीरभद्र द्वारा रिटायर्ड होने के बयान पर चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस की ऐसी क्या मजबूरी है कि ऐसे भ्रष्ट नेतृत्व का भार ढो रही है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार और माफिया राज के कारण विकास कार्य ठप होकर रह गए हैं। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और परिवहन मंत्री जीएस बाली के बीच चल रहे वाकयुद्ध में बाली ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री पर तंज कसा है। मुख्यमंत्री के रिटायरमेंट वाले बयान पर बाली ने चुटकी लेते हुए कहा कि ये हाईकमान और उनके बीच का मामला है। उन्होंने कहा कि जिस दिन वे रिटायर होना चाहेंगे वे किसी से नहीं पूछेंगे। वहीं कांग्रेस में नेतृत्व के सवाल के जवाब में बाली ने कहा कि पार्टी में अभी तक किसी को भी नेतृत्व सौंपने पर निर्णय नहीं लिया है। वहीं संगठन और सरकार में मतभेद पर बाली ने कहा कि संगठन और सरकार में दूरियों से दिल दुख हो जाता है। सीएम वीरभद्र सिंह और परिवहन मंत्री जीएस बाली के बीच चल रहे वाक युद्ध में बाली ने एक बार फिर सीएम वीरभद्र सिंह पर तंज कस दिया है। सीएम के रिटायरमेंट वाले बयान पर बाली ने चुटकी लेते हुए कहा कि ये हाई कमान और उनके बीच में है, जिस दिन मैं रिटायर्ड होना चाहूंगा किसी से नहीं पूछूंगा। वहीं कांग्रेस में नेतृत्व के सवाल के जवाब में बाली ने कहा कि पार्टी ने अभी तक किसी को भी नेतृत्व सौंपने का निर्णय नहीं लिया है। वहीं संगठन और सरकार में मतभेद पर बाली ने कहा कि संगठन व सरकार में दूरियों से दिल दुखी होता है। ऊना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए परिवहन मंत्री जीएस वाली ने कहा कि प्रदेश में सरकार व संगठन के बीच मनमुटाव से दिल दुखी होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे नुकसान होता है। उन्होंने कहा कि नेताओं को भी अपनी जुबान पर चुप्पी साधनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए जिससे कभी मिले तो नजरें व सर झुकाना पड़े। सरकार और संगठन में जो है वो काफी मतभेद खुलकर सामने आ रहे हैं, किस तरह से मानते हैं? देखिए, मैं जो खबरें पढ़ रहा हूँ ये काफ़ी डिस्टर्ब करने वाली है। और सरकार और मतभेद में सुक्खू जी अध्यक्ष हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री है और चिंदे साहब यहाँ अपने आप आए हुए थे, सारी चीज़ का उन्होंने संज्ञान लिया हुआ है। अब जो भी फैसला है ये हाई ऑनरेबल हाई कमांड के उसमें है और जैसे हाई कमांड जो भी फैसला लेगी वो लेगी, मगर अभी भी हमें इससे जो है परहेज करना चाहिए सबको और प्रयास करना चाहिए कि कम से कम हम ऐसा कुछ ना बोलें कि हम जिंदगी में कहीं मिले तो एक दूसरे के आगे सर झुका करके क्रॉस करना पड़े, तो उतना कम है शिष्टाचार के नाते वो रखने की आवश्यकता है। परिवहन मंत्री जी एस पाली ने कहा कि मैं सोनिया गांधी के आशीर्वाद से वीरभद्र कैबिनेट में मंत्री हूँ, अगर सीएम साहब को मेरा काम ठीक नहीं लगता है तो वो अपने विवेक से फैसला लें। देखिए, वो मैं जिस सरकार में मैं मंत्री हूँ उसके वो मुख्यमंत्री है ना, और मैं सोनिया गांधी जी के आशीर्वाद से माननीय वीरभद्र सिंह जी की सरकार में मंत्री हूँ। अगर उनको लगता है कि मेरा काम सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, जब उनको लगता है कि मैं निकम्मा और वो बेकार हूँ, तो वो उनके पास उनका प्रोगेटिव है मुझे अपनी सरकार में रखना कि नहीं रखना, है ना, वो देखे। मैं
उनके बयान जो भी दिए हैं उसका संज्ञान नहीं ले रहा, मगर अगर ऐसे बयान दिया है तो मैं ये कहूँगा कि वे अपने विवेक से जो वो ठीक समझे वो करें। वहीं जीएस वाली ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर तंज कसते हुए कहा कि यदि किसी ने रिटायर्ड होना है तो उसे किसी से पूछने या इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि जब मैं रिटायर्ड होना चाहूंगा तो उस समय किसी से पूछूंगा नहीं, घोषणा कर दूंगा। सर, जैसे सीएम वीरभद्र सिंह का कहना है मैं रिटायर होना चाहता हूँ लेकिन हाईकमान मुझे जो है रिटायर नहीं कर रहा, वो हाईकमान और उनके बीच में है, जिस दिन मैं रिटायर होना चाहूंगा मैं किसी से नहीं पूछूंगा। थैंक यू सर। वहीं कांग्रेस द्वारा विधानसभा चुनावों की कमान के सवाल पर बाली ने कहा कि हमारी हाईकमान सोनिया गांधी व राहुल गांधी हैं, उनका हर आदेश व निर्देश मान्य होगा। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों के लिए हाईकमान की ओर से अभी किसी को भी प्रदेश का नेतृत्व सौंपा नहीं गया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी सुशील कुमार शिंदे भी इस बात को साफ कर चुके हैं और कई बार इस पर बोल भी चुके हैं, ऐसे में कोई संदेह नहीं रहना चाहिए। सर, क्या पार्टी ने आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए नेतृत्व का फैसला कर लिया? अब वो उसका मेरे ख्याल में शिंदे जी कई बार जवाब दे चुके हैं, ये सवाल जवाब कर रहे हैं और उसका जवाब उन्होंने कई बार दिया है, तो जो जवाब उन्होंने दिया है मेरी भी हमें उसी में है। ये अभी तक उन्होंने, मैंने बहुत पहले आपके पास यहाँ आया था, याद होगा उन्ना में, तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि सोनिया जी हमारी नेता है और फिलहाल जो हाईकमान ने अभी तक किसी को नेतृत्व दिया नहीं है, जब दे देंगे तो वो जो उनका हाईकमान का फैसला होगा सबको मान्य होगा। कार्यक्रम में एक बार फिर से वक्त हो चला है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। संजीव साड़ी, हमीरपुर में सूट साड़ी लहंगा का अनूठा फिक्स प्राइस शोरूम, जहां खास आपके लिए हम लाए हैं मन भावन रंगों और डिजाइनों की साड़ियां। संजीव साड़ीज में आप पाएंगे फॉर्मल साड़ी से लेकर पार्टी वियर साड़ी तक की अनूठी रेंज। फाइन एम्ब्रॉयडरी वर्क में उपलब्ध बेडिंग स्पेशल रेंज आपको चौंका देगी। संजीव साड़ी में स्कूल कॉलेज फेयरवेल पार्टीज के लिए विशेष रेंज की डिजाइनर साड़ियां भी हैं उपलब्ध। संजीव साड़ी के एक्सक्लूसिव लहंगा सेक्शन में उपलब्ध है अलग अलग रेंज और डिजाइनों के लहंगों का कपड़ा, ब्राइडल लहंगा ऑल्सो अवेलेबल। संजीव साड़ी के लेडीज सूट कलेक्शन में उपलब्ध है डिफरेंट फैब्रिक और लेटेस्ट ट्रेंड के सूट्स। शोरूम के जेंट सेक्शन में रेडीमेड कोट पैंट के साथ साथ कोट पैंट और पैंट शर्ट का कपड़ा भी है उपलब्ध। तो शादी विवाह और अन्य अवसरों पर कपड़े की जरूरत के लिए कहीं और ना पड़े जाना, क्योंकि संजीव साड़ी में है सूट साड़ी और लहंगा का अनूठा खजाना। संजीव साड़ी, दीप क्लोथ मार्केट, मेन बाजार, हमीरपुर। आरके हॉस्पिटल हमीरपुर अब नई और एक्सपर्ट्स डॉक्टर की अनुभवी टीम ला चुका है आपके शहर हमीरपुर में। डॉक्टर रवि वर्धन, प्रोपराइटर आरके हॉस्पिटल, डॉक्टर संजीव शर्मा एमएस ऑर्थो, डॉक्टर अमित श्रीवास्तव एमएस गायनी, डॉक्टर एमएन कमाल एमडी पीडियाट्रिक, डॉक्टर केतन फिजियोथेरेपिस्ट। विजिटिंग डॉक्टर्स हैं डॉक्टर मोहित वालिया डीएम कार्डियोलॉजी, डॉक्टर सुशील राही डीएम न्यूरोलॉजी एंड डॉक्टर सनी बिरडी डीएम पल्मोनरी। दिमाग और फेफड़ों की बीमारियों के डॉक्टर हर महीने के पहले शनिवार को, साथ ही हृदय रोग विशेषज्ञ हर महीने के पहले बुधवार को, साथ ही आरके हॉस्पिटल में हड्डी की चोट या फ्रैक्चर का इलाज, नॉर्मल डिलीवरी, इमरजेंसी सिजेरियन, बच्चों के विशेषज्ञ, NICU, PICU जैसी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध, 24 घंटे एम्बुलेंस की भी सुविधा। आरके हॉस्पिटल नाउ ISO 9001:2015 सर्टिफाइड, ऑपोजिट संत निरंकारी भवन, नियर हथली ब्रिज, भोटा रोड, हमीरपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नूरपुर के गंगत गांव के ठठोली में हिमांशु सुपुत्र प्रवीण कुमार की मौत हो गई है। मौत के कारणों का अभी तक पता नहीं चला है। हिमांशु के पिता का आरोप है कि हिमांशु रोज की तरह स्कूल गया और स्कूल में जो टीकाकरण अभियान के तहत रूबेला व खसरा के टीके लगाए गए वो टीका उसे भी लगाया गया। हिमांशु के पिता के अनुसार हिमांशु की मौत स्कूल में लगाए गए टीके की वजह से हुई है। नूरपुर उपमंडल के गंगत के ठठोली के हिमांशु सुपुत्र प्रवीण
उम्र 10 वर्ष की मौत हो गई है। मौत के कारण का कोई पता नहीं चला है। हिमांशु के पिता प्रवीण कुमार का कहना है कि हिमांशु रोज की तरह स्कूल गया और स्कूल में उसे जो टीकाकरण अभियान के तहत रूबेला व खसरा के टीके लगाए गए वो टीका उसे लगा। हिमांशु के पिता के अनुसार हिमांशु की मौत स्कूल में लगाए गए टीका की वजह से हुई है। प्रवीण कुमार ने कहा कि हिमांशु की तबीयत रात को खराब हुई, उसे सिर दर्द होने लगा, उसे बाम लगाया गया लेकिन उसकी तबीयत और खराब हो गई। उन्होंने कहा कि 3 बजे के करीब हिमांशु के पेट में दर्द होने लगा और मुंह से झाग निकलने लगा और उसके होंठ भी नीले हो गए। जब उसे अस्पताल लाया गया तो वहां उसकी मौत हो चुकी थी। लगने से हुआ जो कल का टीका लगा ना, अब मेरे को तो उसके ऊपर है कि कल का टीके से वजह से हुआ जो हुआ। रात को 11 बजे के करीब ना उसको 11 बजे के करीब उसको सर दर्द होने लगा, तो हमने अपना बाम बूम करके बाम बूम लगाई और 3-4 बजे करीब 3-4 बजे करीब बोलने लगा कि मेरे पेट दर्द हो रहा है। पेट दर्द होने के बाद हमने उसको घबराहट हो रही थी उसके साथ, तो हमने अपने बाहर ले आए कमरे से बाहर, इधर उधर घुमाया उसको, 5-6 बजे तक घुमाते रहे। फिर ज्यादा सीरियस हो गया, उसके मुंह से झाग निकल रही थी और इसके होंठ जो नीले हो गए थे पूरे। तो फिर हम घबराए, फिर हम हॉस्पिटल निकले थे, इधर आ रहे थे फिर कोई गाड़ी नहीं मिला गांव में, 1-2 घंटे के बाद गाड़ी मिला तो तब तक खत्म हो गया था जब हॉस्पिटल पहुंचे। इस मुद्दे पर CMO MR राणा ने कहा कि आज बड़े दुर्भाग्य की बात है कि 10 वर्ष के बच्चे की मौत हो गई। इसके पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टर विजय अरोड़ा की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है जिन्होंने बच्चे का पोस्टमार्टम किया तथा प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ये मामला किसी चीज के काटने का लगता है। जो रूबेला एवं खसरा के टीका लगाया गया है उसका उस बच्चे पे कोई प्रभाव नहीं है। उन्होंने कहा कि इस टीके का अगर कोई रिएक्शन होता है तो उसका पता 1/2 घंटे में लग जाता है। मृत्यु के कारण का पता रिपोर्ट आने के बाद ही चलेगा। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक बच्चा 10 साल का हिमांशु जिसकी मौत हुई है। सेक्टी हेल्थ ने हाई पावर कमेटी बना के एक डिस्कस करने हमें निर्देश दिए कि इस बच्चे का पोस्टमार्टम कराया जाए और एक 3-मेंबरी कमेटी जो है कि पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टर विजय अरोड़ा की अध्यक्षता में बनाई गई है, जिन्होंने प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स में ये पाया गया है कि ये इट इज पॉसिबिलिटी ऑफ पॉइजनस बाइट, किसी बाइट के कारण जो है कि हुई है, इट इज नॉट रिलेटेड टू इंजेक्शन MR। और कंफर्मेशन जो है कि आप इसके सैंपल ले लिए गए हैं, बिस्रा के सैंपल ले लिए हैं, कन्फर्मेशन जो है कि बिस्रा के रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा, बट इट इज नॉट रिलेटेड टू द MR। वहीं थाना प्रभारी संदीप शर्मा ने कहा कि उन्हें पता लगा है कि नूरपुर के गंगत के गांव ठठोली में हिमांशु सुपुत्र प्रवीण की मौत हो गई है। हिमांशु के पिता प्रवीण कुमार का कहना है कि स्कूल में उसे जो टीकाकरण अभियान के तहत रूबेला व खसरा के टीके लगे हैं वो टीका उससे लगा जिसके कारण उसकी तबीयत बिगड़ गई और मौत हो गई। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने पर ही मामले की जांच की जाएगी। पुलिस ने CRPC 174 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। इन्फॉर्मेशन पुलिस चौकी गंगत में रिसीव हुई थी कि एक हिमांशु लड़का जो कक्षा 4 का विद्यार्थी है उसकी तबीयत खराब हुई और उसके बाद उसकी डेथ हो गई, जिसपे पुलिस CH नूरपुर गई तो वहां पे हिमांशु के पिता प्रवीण का अभियान कलमबंद किया गया, जिन्होंने बताया कि पिछले कल दिन में 2-3 बजे इनको स्कूल में खसरा और रूबेला वैक्सीनेशन के टीके लगे थे। उसके बाद बच्चा स्वस्थ था, खेल कूद रहा था, शाम के वक्त खाना नहीं खाया और रात को सो गया। सोने के बाद इसने थोड़ा सरदर्द की शिकायत की, उनके मदर फादर ने उसको बाम वगैरह लगा के सुला दिया और दिन के सुबह के समय 3-4 बजे उसने फिर पेट दर्द की शिकायत की। उसके बाद ये हॉस्पिटल ले आए तो इस दौरान ही उसकी डेथ हो गई थी। बाकी हमने पोस्टमार्टम करवा लिया है, अभी फाइनल जो ओपिनियन है वो बिस्रा की फोरेंसिक एग्जामिनेशन के बाद ही आएगी, उसके बाद ही बता पाएंगे कि मृत्यु के क्या कारण रहे हैं। मुख्यमंत्री ने नाचन में अपने पूर्व दौरे के दौरान विभिन्न घोषणाएं की लेकिन कोई भी कार्य आज तक पूरा नहीं हुआ है, ये कहना है नाचन विधानसभा क्षेत्र के विधायक विनोद कुमार का। विनोद कुमार ने आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार नाचन में विकास करवाने में विफल रही है और क्षेत्र में सरकार द्वारा कोई भी नया काम नहीं करवाया गया।
जिला मंडी के नाचन विधानसभा क्षेत्र के विधायक विनोद चौहान ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह द्वारा पूर्व में गुड़िया प्रकरण को लेकर मंडी में दिए गए बयान और नाचन विधानसभा क्षेत्र में विकास करवाने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए हमला बोला है। सुंदरनगर में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए विधायक विनोद ने गुड़िया प्रकरण में मुख्यमंत्री के मंडी में दिए गए बयान को प्रदेश को शर्मसार करने वाला बताते हुए मुख्यमंत्री पर सवाल दागा है कि यदि किसी मंत्री की बेटी होती तो भी मुख्यमंत्री यही बोलते कि प्रदेश में छोटी मोटी घटना होती रहती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार नाचन में विकास करवाने में विफल रही है, क्षेत्र में सरकार द्वारा कोई भी नया काम नहीं करवाया गया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री ने नाचन में अपने पूर्व दौरे के दौरान फ्लोटा में आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी, लोट पंचायत के ग्राडीगार्ड में उप स्वास्थ्य केंद्र, नादी स्कूल को अपग्रेड करने सहित विभिन्न घोषणाएं की, लेकिन कोई भी कार्य पूरा नहीं किया गया। वहीं जनता की बार बार मांग के बावजूद हटगढ़ में कॉलेज खोलने, गोहर में आईपीएच डिवीजन खोलने सहित विभिन्न झूठे आश्वासन जनता से किए गए हैं। कांग्रेस सरकार की बात करूं, वैसे तो कांग्रेस सरकार के नेता या इस प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जी इस बात को विधानसभा के अंदर या विधानसभा के बाहर जहां भी ये बात उठती है विकास के कार्य को लेकर के, इस बात को बार बार कहा जाता है कि हम पूरे हिमाचल प्रदेश में एक समान विकास करते हैं या किया, लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी की सरकार के ऊपर आरोप लगाना चाहूंगा कि पिछले 5 वर्षों में नाचन विधानसभा क्षेत्र में कोई भी नया काम जो है कांग्रेस पार्टी के माध्यम से या नई स्कीम जो है वो कांग्रेस पार्टी के माध्यम से शुरू नहीं की गई। हमारे नाचन विधानसभा क्षेत्र का हटगढ़ का जो स्कूल, बहुत प्राचीन बहुत पुराना स्कूल जो है, उस स्कूल में डिग्री कॉलेज को लेकर के एक बार नहीं अनेकों बार यहां से डेपुटेशन उनके पास जाकर के मिला और उन्होंने एक दो बार आश्वासन भी दिया और मैंने विधानसभा के माध्यम से भी, विधानसभा के अंदर जब भी हमारा बजट सत्र होता था तो उस बजट सत्र के दौरान भी मैंने उनसे एक बार नहीं अनेकों बार मैंने इस कॉलेज को लेकर के उनसे अपना पक्ष बड़े मजबूती से रखा, लेकिन इतनी बार कहने के बावजूद भी इस कॉलेज को नहीं खोला गया, क्योंकि यहां पर नाचन विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का विधायक जीता है। शायद इस बात को लेकर के यहाँ पर न विकास को लेकर के ध्यान दिया गया, न इस कॉलेज को खोला गया। हिमाचल कार्यकारिणी समिति द्वारा वर्ष 2017 के चुनाव के लिए बल्क क्षेत्र से राजेंद्र पाल कश्यप को प्रत्याशी चुना है। पत्रकार वार्ता के दौरान हिमाचल प्रदेश कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष जे सिंह ने ये बात बताई। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, आर्थिक साम्राज्यवाद को बढ़ावा दिया है। हिमाचल कार्यकारिणी समिति द्वारा 2017 के चुनाव के लिए बल्क क्षेत्र में राजेंद्र पाल कश्यप को प्रत्याशी चुना गया है। ये बात पत्रकार वार्ता के दौरान हिमाचल प्रदेश कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष जे सिंह ने कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, आर्थिक साम्राज्यवाद को भी बढ़ावा दिया है। हिमाचल प्रदेश कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष जे सिंह ने बताया कि 2017 के चुनावों के लिए जोगिंदर पाल कश्यप को प्रत्याशी चुना गया है, जो बल्क क्षेत्र से नामांकित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि आज की तारीख में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, आर्थिक साम्राज्यवाद है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने अपने कार्यकाल में कोई भी विकास के कार्य नहीं करवाए हैं, जिसका प्रभाव आम जनता को भुगतना पड़ रहा है, साथ ही युवाओं को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं नव नियुक्त प्रत्याशी राजेंद्र पाल कश्यप ने कहा कि वो लोगों को जातिवाद, भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि वो लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि हिमाचल कार्यकारिणी समिति में मैं अपना पूरा सहयोग दूंगा। कार्यक्रम एक बार फिर से वक्त हो चला है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। SRK ट्रेडर्स हमीरपुर, जहां आप पा सकते हैं पहली बार स्कूल, कॉलेज और स्पोर्ट से संबंधित हर तरह की ड्रेसेस। SRK ट्रेडर्स, जहां उपलब्ध है स्कूल कॉलेज की ड्रेसेस, शर्ट्स, पैंट्स, स्कर्ट्स, स्कूल बैग्स, सॉक्स, स्टॉकिंग, स्कूल शूज, लैब कोट, फुल हाफ स्लीव्स, पुलओवर्स, ब्लेजर्स, जैकेट्स फॉर किंडरगार्टन चिल्ड्रन।
स्पोर्ट्स आर्टिकल्स में हम आपके लिए लेकर आए हैं अलग अलग तरह के गेम्स इक्विपमेंट्स और जिमनेजियम इक्विपमेंट्स। साथ ही एसआर के ट्रेडर्स में आप पा सकते हैं एनुअल फंक्शंस, फेयरवेल्स, सेमिनार्स, पार्टी, रिटायरमेंट और टूर्नामेंट्स के लिए हर तरह के मोमेंटोज और ट्रॉफीज। मोमेंटोज में आप पा सकते हैं एक्रिलिक, वुडन और ब्रास के मोमेंटोज। साथ ही आप पा सकते हैं मेडल्स और ट्रॉफीज। तो स्कूल, कॉलेज और स्पोर्ट्स से संबंधित हर तरह की ड्रेसेस के लिए कहीं और क्यों जाना, सिर्फ एसआरके ट्रेडर्स में ही आना। एसआरके ट्रेडर्स, फर्स्ट फ्लोर केसीसी बैंक, लोअर बाजार ब्रांच, एनसीएस कॉम्प्लेक्स, हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष राकेश बालिया ने युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह को चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि वे अपने पिता के संरक्षण के बिना अपने साथ चार युवाओं को इकट्ठा करके बताएं। मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान बालिया ने कहा कि विक्रमादित्य सिंह का अपना कोई जनाधार नहीं है और वे पिता के नाम पर राजनीति करते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का परिवार राजनीतिक पतन की ओर जा रहा है और इसी बौखलाहट में पिता और पुत्र आए दिन अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चे के जिला अध्यक्ष राकेश वालिया ने युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम आदित्य सिंह को चुनौती दी है कि वह अपने पिता के संरक्षण के बिना अपने साथ चार युवाओं को इकट्ठा करके बताएं। मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान राकेश वालिया ने कहा कि विक्रम आदित्य सिंह का अपना कोई जनाधार नहीं है और वह पिता के नाम पर राजनीति करते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का परिवार राजनीतिक पतन की ओर जा रहा है और इसी बौखलाहट में पिता और पुत्र आए दिन अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। बता दें कि पिछले कल युवा कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रम आदित्य सिंह सराज विधानसभा क्षेत्र के बाली चौक में एक कार्यक्रम में गए हुए थे, जहां पर उन्होंने सराज विधायक जयराम ठाकुर पर तंज कसे। इसी का जवाब देने के लिए मैदान में आए राकेश वालिया ने कहा कि पिता और पुत्र के बीच कोई तालमेल नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले पिता सराज के विधायक जयराम ठाकुर की तारीफ करके गए और अब पुत्र ने गलत आरोप लगा दिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी हार की तरफ बढ़ रही है और इसीलिए अनाप शनाप आरोप लगा रही है। आपातकालीन स्थिति में 108 आपातकालीन सेवा किस तरह कार्य करती है और उसकी अन्य जानकारियों के बारे में लोगों को विस्तृत रूप से जागरूक करने के उद्देश्य से सुंदरनगर में दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में विभिन्न स्कूलों और आईटीआई के छात्रों के अलावा आम लोगों को जानकारी दी गई। जिला मंडी के सुंदरनगर में आयोजित 108 आपातकालीन सेवक की दो दिवसीय कार्यशाला संपन्न हो गई। कार्यशाला में शहरी आपदा रक्षक प्रोग्राम के तहत लोगों को आपदा में 108 एम्बुलेंस की सेवाओं का डेमो दिया गया, जिसमें विभिन्न स्कूलों आईटीआई के छात्रों व आम लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर मुस्ताक ने बताया कि इस कार्यक्रम में सभी स्टाफ के मेंबरों ने लोगों को आपदा में 108 पर कॉल करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जब कभी भी कोई आपातकालीन स्थिति हो तो ध्यान रखें, सबसे पहले 108 नंबर पर कॉल करें। जब भी 108 आपातकालीन सेवा के कॉल सेंटर द्वारा कॉलर को एम्बुलेंस उपलब्ध कराने की बात कही जाती है तो एम्बुलेंस वाहन को तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना कर दिया जाता है। गौरतलब है कि इस सेवा के शुरू होने से राज्य में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में भी कमी आई है। ऐसी स्थिति में 108 आपातकालीन सेवा के एम्बुलेंस वाहन की प्रतीक्षा करना एक समझदारी भरा निर्णय होता है। 108 आपातकालीन सेवा निश्चित रूप से सभी आपात मामलों स्थितियों में अनमोल जीवन को बचाने में सहायक साबित हुई है। तो ये था एच टुडे का प्रादेशीकरण। फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप जुड़े रहिए एच टुडे के साथ। नमस्कार।